गाइस मैं आराम से बैठ के अपना खाना खा रहा हूँ, बस दाल है पराठा है, तीन चवत आए यहाँ पे। मत कर हट जा। एक चवत, दो चवत, तीन चवत। अरे मेरी स्पैंकिंग करते हुए बस रहा भाई। 11 बजे क्यों आ गए भाई? सोना था मैं, 2-2 बजे मैसेज कर रहा होता। निक्की भाई आप कैसे आ गए? आपने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया। इन दोनों का मुझे कोई खुशी नहीं है, मेरे को आपकी खुशी है। नहीं नहीं भाई, निक्की मेरे को आपने खुश किया। गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:11, बट 12 बजे तक मुझे निक्की को देख के लग नहीं रहा वेट कर पाएगा। तो आप सोच रहे कि भाई केक है, केक अभी काट लिया जाए। क्यों निक्की भाई, अभी उतार सकता है मास्क, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जा रहा वो, छोड़ दिया उसने। अब मोटा कहते हैं उसको, मोटा हो गया अब, छोड़ दिया बोल रहे लोग। निक्की बोर्ड की तरीके से चल रही है, बढ़िया गाना वाने का सीन है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू काटो ना काटो, मैंने तो उठा के खा ही लेना है। निक्की को हट, तू हट भाई, निक्की हो और निक्की भाई नहीं काटो तुमको अपने को गया। चल भाई हमारा भाई भाई पेलो भाई, पेलो भाई, भाई बड़ी बड़ी देखो कोई पूछ नहीं रहा है। निक्की सबसे बड़ा वाला पीस तले काटा है, देख ले 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 शर्मा तो ये वाला अभी ले ले शर्मा मत भाई, कटोरी है तले, डोंगा लाओ तले बता दे। निक्की भाई अभी थोड़ा केक बचा है, आप खा सकते हो, आप ले जा भी सकते हो, आपकी तूत से लाट बकरी। निक्की भाई पता है, खा ले कोई नहीं भाई, अपना तो हो गया, मेरा पेट भर गया। निक्की भाई चलो गाइस बाय, थैंक यू सो मच। अबे चल निकल निकल निकल, हाय रेडी हो गया। सो गाइस वी हैव यश एंड क्रिश इन द हाउस। क्रिश पहली बार आ रहा है चैनल पे, क्रिश यश का फ्रेंड है और मेरा भी फ्रेंड है वैसे। और दोनों मेरे लिए केक लाए, कौन सा केक है? चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम एक को दिखाइए बाहर से, कल त्यागी भी ये वाला लाया था क्या? हाँ ये वाला था, बढ़िया टेस्टी था वो। आपको उसने क्या बोला था कि बड़ा बड़ी ग्रही खानी है कि छोटी ग्रही? उनको बड़ा ही चाहिए होता है। बहुत टेस्टी यार, वो सारे को नकली लाते हैं क्या? वो वनीला और चॉकलेट होगा, ये पूरा चॉकलेट। अच्छा काफी अच्छा है। और त्यागी भैया ने बहुत बड़ा इकट्ठा किया मिस्टर आज। क्यों? त्यागी भैया से मैं कल से बात कर रहा हूँ कि साथ में आएंगे। हाँ अभी हमारा प्लान था कि हम 2 बजे आएंगे और मैं 1:30 बजे से फोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा फोन, ही नहीं उठा रहा भाई। टॉप का भाई, टॉप का कटिंग किंग है वो। उसके बाद कटिंग पूरा खा ले भाई, पूरा खा ले, एक बार बड़ा मुखलो, बड़ा मुखलो। उसके बाद मैंने योगी भैया को पूछा कि सो रहा होगा? नहीं मैंने पूछा, ठीक है तो उनका आया 2 घंटे बाद रिप्लाई कि कहाँ आना है। अभी वो सो रहा होगा ना, वो भी 2 बजे का प्लान था, 2:16 पूछ रहे कहाँ आना है। मैंने बोला फिर भी चलो आ जाओ, ठीक है, और अभी भी मैसेज पड़ा नहीं हो रहा। अभी सो रहा होगा, यही सो रहा होगा। तो इससे पता चलता है त्यागी, त्यागी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो तो मेरा उठ ही गया। अगर त्यागी भैया ब्लॉग देख रहे हो, त्यागी भैया अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो मेरा भरोसा उठ गया है आपका से। मेरा बहुत, मेरा 10 साल पहले उठ गया था भाई, मेरा 10 साल पहले उठ गया था। अभी सर थैंक्स भैया, थैंक यू सो मच। बाकी बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, चल रही जिंदगी। इसको पैक करो और क्या होता है। हाँ बंदा बढ़िया हो, बंदा बढ़िया। सब्सक्राइब कर देना और इस साल कितने करने हैं? 200 तो करना है। और नहीं हुए तो नहीं हुए क्या, तो शर्त है क्या? हाँ मैं कह रही थी जाती शर्त।
कि आप नंगे होके नंगे नहीं था पागल है क्या नंगे था सीपी में नाचूंगा नहीं नंगे होके नाचोगे पागल है क्या नंगे ही फिर कहां में लगा ही नहीं सकता ब्लॉग में है ब्लॉग में नंगा बोला था मैं ये तो नंगे होके करोगे तब आपने बोलता कि मैं ही शूट करूंगा तो मेरे को मजा भी आएगा सही में नहीं हां ब्लॉग में भाई तो गलत बोल दिया मैंने ये तो गलत बोल दिया अब करने हैं कितने हो गए 1-24 तो हो गए मेरे ख्याल से 1-24 हाँ तो बस अगर नहीं हो तो नंगा नाचेंगे दिसंबर तक बोला ना दिसंबर नहीं जिस दिन वो व्लॉग डला है उसके एक साल अच्छा उसके एक साल बाद तो कब था वो दिसंबर के बाद ही करा वो व्लॉग तो मतलब फेब लगा लो फेब लगा लो अगर जैन तक नहीं हो 2022 तक तब यश को ब्लॉक कर दूंगा और बहुत बढ़िया गाइज मैं ऐसे ही चल रहा था ठीक है एक अनजान बालक एकदम अनजान उधर पेड़ों की तरफ देख रहा उधर की देख रहा था सो गाइज इट्स 13th of April 2021 दैट इज इट्स माई बर्थडे टूडे सो हैप्पी बर्थडे टू मी आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझको और मैं लाइफ में बहुत तरक्की करूँ बहुत आगे जाऊँ और यही सारी चीज़ें लोग मुझे बोलते हैं जब उनको पता लगता है मेरा बर्थडे है बर्थडे पे इतना प्रेशर फील होता है ना कि कुछ आपको बढ़िया करना है ताकि आप सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा पाओ कि भाई आपने करा एंजॉय सो गाइस नाउ आई एम गोना कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक मैंने आपको बताया था मैं पढ़ रहा हूँ 24-25 पेज के अराउंड मैं पढ़ चुका हूँ रियली नाइस बुक एंड लेटली आई हैव बीन गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस मेंटली मैं अभी एट माय बेस्ट नहीं हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट है कुछ रीज़न है मैं बाद में कभी वीडियो में आराम से डिस्कस करूँगा बट दिस बुक हैज़ बीन रियली हेल्पिंग मी टू काम माई माइंड डाउन मतलब मैं रात को 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था फिर मैंने थोड़ी सी बुक पढ़ी आई स्टार्ट फीलिंग सो पॉजिटिव और फिर अच्छा लगता है फिर सो जाता हूँ फिर नेक्स्ट डे सेम थिंग फिर थोड़ा सा पढ़ा तो अच्छा लगा सो जाता हूँ तो ये बुक मेरे को थोड़ा हेल्प कर रही है तो मतलब मुझे अब मैं इंटरेस्ट लेने लग गया हूँ कि हर रात को मैं एटलीस्ट इसके कुछ पेजेस पढ़ लूँ सो दैट्स द अपडेट अबाउट माई लाइफ बाकी मच्छर आजकल बहुत हो गए आप लोग बताओ यार बहुत मच्छर हो गए परेशान कर दिया है जिंदगी झंड कर रही है मच्छरों ने गाइज एज के मामले में सीन कैसा है कि 25 ईयर्स इज द मार्क अगर आप 25 ईयर्स से कम की एज है आपकी तो यू आर अ किड बकचोदी करो लाइफ में इंजॉय करो चिल करो आप बच्चे ही हो जब 25 का मार्क क्रॉस होता है तो आप बड़े हो जाते हो एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील मैं भाई 26 साल का हो गया हूँ एंड आई एम फोर्स टू एक्ट मैच्योरली नाउ मेरे को थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि मैं भाई बड़ा हो गया हूँ मतलब सही नहीं लग रहा यार आज से फिर 4-5 साल बाद जब मैं 30 का जाऊँगा तब छोटे बच्चे आगे मेरे पैर छुएंगे बोलेंगे नमस्ते अंकल वेट हो जाएगा यार बहुत ज़्यादा आई ऑनेस्टली थिंक दैट ग्रोइंग अप सक्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो 25 प्लस है कमेंट करके बताओ कि आप लोग भी अपने बर्थडे पे यही सब सोचते हो कि नहीं बट गाइस जो भी है लाइफ अब तक एंजॉय करिए आगे भी करेंगे और खुद एंजॉय करते करते आप लोगों को भी एंटरटेन करेंगे दैट्स द मेन लाइफ गोल कि भाई मस्ती करनी है लाइफ के एंड में रिग्रेट नहीं करना चाहिए और फालतू की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं कई बार ऐसे फ्लो फ्लो में ऐसी बातें करने लग जाता हूँ मज़ा आता है फिर बाद में लगता है कि ऑडियंस सोच रही होगी कि आप पगला गया क्या पर वो तो ऑडियंस वैसे भी सोचती होगी पर जो भी है चल रही ज़िंदगी सो गाइस आई एम गोना एंड द वीडियो राइट हियर आप लोगों को आई होप मज़ा आया हो उल्टा बोल दिया आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो और अगेन थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे विश किया यूट्यूब पे विश किया और उनको भी जो इस वीडियो में मुझे विश फ्लो टूट गया जो इस वीडियो में मुझे विश करने वाले हैं बाकी बढ़िया है ज़िंदगी चल रही है और हमेशा चलती रहेगी हार नहीं मानना और डील करना अपनी दिक्कतों से और बाकी बढ़िया है मिलते हैं बाय